मध्य प्रदेश के बुधनी और विजयपुर में भी नामांकन रैलियों की धूम देखने को मिली है। विजयपुर में बीजेपी प्रत्याशी रामनिवास रावत तो बुधनी में कांग्रेस उम्मीदवार राजकुमार पटेल ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। विजयपुर विधानसभा सीट मध्य प्रदेश के शिवपुर जिले में आती है तो वहीं बुधनी विधानसभा होशंगाबाद के जिले में है जो पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान का गढ़ माना जाता है। इस पर भी एक रिपोर्ट आपके सामने है। मोहन सरकार में वन मंत्री रामनिवास रावत एक बार फिर चुनावी मैदान में उतर आए हैं। रामनिवास का मुकाबला कांग्रेस के मुकेश मल्होत्रा से है। विजयपुर सीट यूं तो रामनिवास की पारंपरिक सीट है लेकिन इस बार रामनिवास कमल के फूल पर चुनावी अखाड़े में है। उनके नामांकन के मौके पर सीएम मोहन यादव, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा शामिल हुए। नामांकन से पहले रामनिवास रावत ने हनुमान मंदिर पहुंचकर बजरंग बली का आशीर्वाद लिया, रोड शो के जरिए अपनी ताकत दिखाई। वहीं इस मौके पर सीएम मोहन यादव ने कहा कि विजयपुर की जनता के प्रेम और स्नेह से बीजेपी भारी मतों से विजयी होगी। जिस प्रकार का वातावरण चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, पूरे देश में और प्रदेश में माहौल बना हुआ है, हमारे वहाँ के प्रत्याशी श्री रामनिवास रावत जी अपनी टीम के साथ लगे हुए और जनता का प्रेम दुलार उनको हमेशा क्षेत्र से मिलता रहा है और जब विकास का कारवां चल रहा था ऐसे में और विकास की संभावना है। मैं उम्मीद करता हूं कि जनता उनको प्रेम और स्नेह से आशीर्वाद देगी और वो भारी बहुमत से विजय आएंगे। एमपी की हाई प्रोफाइल बुधनी विधानसभा सीट पर भी आज नामांकन दाखिल किए गए। कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमार पटेल ने पीसीसी चीफ जीतू पटवारी समेत दिग्गज कांग्रेस नेताओं की मौजूदगी में अपना पर्चा भरा। इससे पहले कांग्रेसियों ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के गढ़ में शक्ति प्रदर्शन किया। हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता रैली में शामिल हुए। इस दौरान एक सभा भी हुई जिसमें कांग्रेस नेता बीजेपी सरकार पर जमकर बरसे, बीजेपी प्रत्याशियों को हराकर बड़ा संदेश देने की बात कही। आज ऐतिहासिक जो बुधनी के परिवार के लोगों ने उत्साह बताया और जिस तरीके का कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल है वो इस बात का एहसास कराता है कि ये सीट, ये धरती, बुधनी की धरती कांग्रेस की थी और मुख्यमंत्री को लोगों ने वोट दिया था, ये फिर कांग्रेस की होगी, ये एहसास आज हो गया। पूरी विधानसभा के कोने कोने से लोग अपने आप चलकर आए, ये बड़ा अच्छा लगा और चुनाव को लेकर कांग्रेस बहुत उत्साहित है और हम लोग ये चुनाव जीतेंगे, इसमें हमको कोई शक नहीं है। विजयपुर और बुधनी विधानसभा सीट कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों के लिए बेहद अहम है। बुधनी पूर्व सीएम शिवराज का गढ़ है तो विजयपुर सीट मंत्री रामनिवास रावत के बीजेपी में शामिल होने के चलते खाली हुई है। ऐसे में पार्टी हर हाल में दोनों सीट जीतना चाहती है तो वहीं कांग्रेस बीजेपी को हराकर हिसाब बराबर करने के लिए बेताब है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24।